नमस्कार, मैं मुजाहिद भारतीय आपका स्वागत करता हूं डीजीआना न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बजरंगगढ़ निवासी युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में हुई मौत। बता दें कि मृतक रामचरण कल शराब के नशे में था, जिसके बाद उसकी किसी से फोन पर बहस हुई, जिसके बाद उसने सल्फास की गोलियों का सेवन कर लिया, जिसके तुरंत बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा शहर भर से आज अन्य दो मामले भी आत्महत्या के आए हैं, जिनमें पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी विवेचना शुरू कर दी है। सर उसने दवाई पी रखी, वो ड्रिंक कर रखी थी, ज़्यादा नशा हो गया था सर उसको। उसने रात में किसी से बात मात हुई उसकी, किससे हुई फोन पर बात अपन को जानकारी नहीं। सर उसने कुछ भी बात हुई इस चक्कर में वो सेल्फास की गोली लेती है वो खाली, तो क्या इलाज के द्वारा वो ख़त्म हो गया। क्या नाम था? रामचरण। अच्छा, आप कौन है? मैं उसका दोस्त हूँ। आज सुबह 10 बजे के करीब नानाखेड़ी स्थित बाईपास रोड के मोड़ पर एक एलपीजी गैस का टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस टैंकर की चपेट में आने से 16 वर्षीय बालक विशाल घायल हो गया है, जबकि टैंकर पलटने के बाद तुरंत मौके पर एसपी अविनाश सिंह, एडिशनल एसपी सत्यन सिंह तोमर सहित भारी पुलिस बल पहुंच गया था। इसके बाद घायल बालक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पलटे हुए टैंकर से गैस का रिसाव भी शुरू हो चुका था, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका पुलिस को थी। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के तहत उस ओर आने जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया था। इसके बाद वहां पर गैस से एक्सपर्ट की एक टीम बुलाई गई, जिसने काफी मशक्कत के बाद गैस रिसाव को रोकने में सफलता हासिल की। अगर साफ लफ्जों में कहें तो पुलिस की सतर्कता के चलते आज शहर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस टैंकर के नीचे दबने वाले विशाल का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, जहां से हमें सूचना मिली है कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। करीब एक दो घंटे पहले यहाँ पर एक एलपीजी का टैंकर टर्न करते हुए पलट गया था, जिसमें एक बच्चे की साइकिल और बच्चा भी घायल होकर के इंजर्ड हुआ है। टैंकर में से लगातार गैस रिफिलिंग हो रही थी, जो अभी एक पार्ट में तो बंद हो गई है, जो कि तीन डिवाइड में थी गैस। अभी इसमें एक टीम रवाना हुई है NFL से, जो इसको पूरा चेक करेगी। आवागमन जो अवरुद्ध हो गया था उसको पूरा तरीके से चालू कर दिया, किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। क्या हुआ था? यहाँ टैंकर पलटा था, जिसमें एक बच्चे का पैर नीचे दबा हुआ था, तो क्रेन की सहायता से पुलिस ने बच्चे को बाहर निकाल लिया है और हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। और टैंकर से गैस लीक हो रही है, NFL की टीम पहुँच रही है, जल्दी ही गैस लीक पर काबू कर लिया जाएगा। सर काय का टैंकर है ये देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या चीज़ है टैंकर के अंदर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है या कुछ और है, देखना पड़ेगा। इसमें कहाँ से आ रहा था ये भी पूछना पड़ेगा, अभी कहाँ से आ रहा था, नहीं कहाँ से आ रहा था। कल शाम से देर रात तक गुना रेलवे स्टेशन के मुख्य निकास मार्ग पर भरा रहा गटर का गंदा पानी, यात्रीगण हुए काफी परेशान। यात्रीगण उसी पानी में उतर कर निकलने के लिए मजबूर थे। स्टेशन परिसर में कदम कदम पर स्वच्छ भारत अभियान का सबक सिखाने वाले रेलवे विभाग को इस मामले की सूचना और सुध तक नहीं थी।
हालांकि रेलवे के पास सफाई कर्मियों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी न जाने कैसे घंटों तक इस तरह गटर का गंदा पानी स्टेशन परिसर में भरा रहा। भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप ने लोगों को घर से बाहर निकलना किया दुश्वार। वहीं वरिष्ठ चिकित्सकों ने शहरवासियों से अपील की है कि दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच जितना हो सके कम ही घर से बाहर निकलें। साथ ही गर्मी का प्रकोप देखते हुए शासकीय एवं निजी स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पारा और भी ऊपर जा सकता है। हार्ट रोड स्थित रपटे पर कचरे के ढेर ने पकड़ी आग। आग को बढ़ते देख स्थानीयों ने अग्निशमन दल को बुलाया। तुरंत वहां पर अग्निशमन दल पहुंचा और पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। समस्या परे है कि जब नदी या नालों में कचरा फेंकने पर प्रतिबंध है, फिर इस नदी में इतना कचरा कहां से आया? अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में नदी में कचरा फेंकने वालों पर नगर पालिका क्या कार्रवाई करती है। विगत 2 दिवस पहले कैंट थाने में एक आवेदन आया था, जिस आवेदन में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। इस यौन शोषण के मामले में जिस शख्स को आरोपी बनाया गया है, आज वह आरोपी शख्स एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएसपी के समक्ष पहुंचा। साथ ही उसने सीएसपी से यह गुहार लगाई है कि उसे जबरदस्ती इस मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाए और जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। स्टेशन रोड पर हुआ सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ। यह प्याऊ फिक्रे मिल्लत ग्रुप गुना की तरफ से लगाई गई है। आज हुए शुभारंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर यातायात डीएसपी मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने प्याऊ का रिबन काटकर उसका शुभारंभ किया। उनके साथ ही सिटी कोतवाली टीआई विवेक अस्थाना भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। फिक्रे मिल्लत हज़रत टीपू सुल्तान यूथ विंग की तरफ से ये प्याऊ लगाई गई है और इसका आज शुभारंभ डीएसपी मानवेंद्र सिंह जी और कोतवाली टीआई विवेक अस्थाना जी ने किया है। और इसका इसमें सभी थोड़ा शहर के युवाओं का बहुत योगदान मिला है, हमें बहुत सहयोग मिला है। और खासतौर से ये रेलवे स्टेडियम के सामने लगाई गई है, तो उससे आने वाले सभी युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और स्टेशन जाने वाले सभी युवाओं को इसका और आम जन को इसका लाभ मिलेगा।
डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।